सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं के 1500 रुपए को लेकर, क्योंकि लंबा इंतजार हो गया और प्रदेश भर की जो महिलाएं हैं वो 1500 रुपए का इंतजार कर रही है कि आखिरकार कब उनके खाते में 1500 रुपए आएंगे, जो कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले महिलाओं से वायदा किया था। तो फिलहाल इंदिरा गांधी महिला योजना के तहत 1500 रुपए की राशि देने को लेकर जो है वो सरकार पहले एक समारोह करने का विचार कर रही है और इसके लिए विभाग को डायरेक्शन जारी कर दी गई है और अभी बढ़ी हुई पेंशन भी महिलाओं को दी जानी है और माना यह जा रहा है कि उसी दिन सीएम इस राशि के चेक महिलाओं को देंगे। और वैसे बजट में ये घोषणा हुई है जिसके लिए प्रावधान रखा गया है और अब महिलाओं को भी इंतजार है कि आखिर कब उनके 1500 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि सबसे पहले जिन महिलाओं को 1100 या 1200 पहले पेंशन मिलता था उनको पहले 1500 दिए जाएंगे और उसके बाद जो है 1500 रुपए बाकी पात्र महिलाओं को सरकार की ओर से दिए जाएंगे। फिलहाल खाते में बढ़े हुए 1500 रुपए आने को लेकर जो है वो काफी ज्यादा महिलाएं उत्साहित भी है, इंतजार भी कर रही है और खाते में बढ़े हुए 1500 रुपए महिलाओं को जल्द मिलेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि महिलाओं को सबसे पहले जो है वो बढ़े हुए पैसे मिलेंगे, उसके बाद जो है वो पात्र महिलाओं को जो अलग से 1500 रुपए देने की घोषणा सरकार की ओर से की गई थी उन पैसों को देने के लिए भी एक प्रोसेस विभागीय स्तर पर शुरू हो गया है और उसके बाद फाइनेंस को ये मैटर जाएगा और फिर जो है वो कहा यह जा रहा है कि महिलाओं को जल्द उनके खाते में 1500 रुपए की राशि यहां पर दी जाएगी। अगली खबर की बात करें तो पिछले कल सरकार की ओर से बड़े तबादले किए गए, कई एचएस और आईएएस अफसरों को बदला गया, कई विभागों में बड़ा फेरबदल हुआ और लंबे समय से इस फेरबदल को लेकर काफी ज्यादा जो चर्चा है वो चल रही थी और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब और जो बड़े अधिकारी हैं उनके अफसर हैं उनके तबादले होंगे। पिछले कल सरकार ने लगभग 2 दर्जन तबादले किए और काफी समय से इनकी चर्चा हो रही थी, मगर अभी कुछ और तबादले होने हैं और इसकी चर्चा अभी से शुरू हो चुकी है और सरकार जिन अफसरों को सरकार को बदलना था उनको बदलने का क्रम अब सही मायने में सरकार ने शुरू किया है। पिछले कल की सूची में ऐसे कुछ अफसर हैं जिनको ट्रांसफर करने का दबाव बन रहा था और ऐसे ही कुछ नाम और भी है, आला स्तर पर अधिकारियों को बदला जा सकता है, वहीं कुछ जिलों के डीसी भी बदले जाने हैं। खासतौर पर शिमला, बिलासपुर, चंबा तमाम ऐसे जिला है जहां पर डीसी के बदलने की चर्चाएं जो है वो सचिवालय तक यहां पर चल रही है। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति से कोई भी अनजान नहीं है और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आज यहां पर सामने आई है कि राज्य सरकार एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पेंशन देनी हो या फिर वेतन देना हो या फिर तमाम और विकास कार्य करने हो तो इसके लिए राज्य सरकार 1000 करोड़ का लोन और लेगी। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दोबारा से सरकार ने आवेदन किया है और 500-500 के आवेदन अलग अलग जो है वो सरकार की ओर से इसमें किए गए हैं और अगर आप देखें तो पिछले माह भी 1000 करोड़ का लोन सुक्खू सरकार ने लिया था और अभी तक कांग्रेस सरकार ने 6000 करोड़ का लोन ले लिया है और अभी तक हिमाचल प्रदेश के कुल अगर कर्जे की बात करें तो 75000 करोड़ से ज्यादा कर्ज हिमाचल प्रदेश पर हो चुका है। राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और सरकार भी कई बार कह चुकी है कि अब राज्य की आर्थिक स्थिति के सुधार को लेकर जो है वो कार्य किया जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों के वेतन, पेंशन व विकास कार्यों के लिए भी रोज खर्चे निकालना सरकार के लिए मुश्किल हो चुका है। हिमाचल प्रदेश सरकार को यह सोचना पड़ रहा है कि आखिर कहां से पैसा लाए। तो इसी बीच सरकार की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में इनकम सोर्सेस बढ़ाए जाएंगे और उसके बाद जो है वो प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने का एक प्रयास किया जाएगा। अगले खबर की बात करें, बल्क ड्रग पार्क में सरकार जो है वो कई भर्तियां करेगी। ऊना में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क में भर्तियां की जाएगी और इसके लिए सरकार ने एक कंपनी का गठन किया है और उस कंपनी को चलाने के लिए कर्मचारी रखे जाएंगे और उसमें लगभग 40 लोगों को सरकार की ओर से रखा जाएगा। आज हाई पावर कमेटी की बैठक हुई और कमेटी ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रखने की इसमें अनुमति दे दी है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश को 2 नए इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किए गए हैं सरकार ने, हमीरपुर सरकार की ओर से किए गए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि कितना निवेश यहाँ के लिए आता है, इससे बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में रोजगार हासिल युवाओं को हो सकेगा। अगली खबर की बात करें तो सरकार के आदेशों पर शिक्षा विभाग शिक्षकों के सभी वर्गों के साथ बैठ के आयोजित कर रहा है। इसी के तहत सरकारी स्कूलों में लंबे समय से भाषा व संस्कृत विषय पढ़ा रहे शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के समक्ष अपनी समस्याओं का पिटारा खोल दिया है। आज भाषाई अध्यापकों के साथ प्रारंभिक शिक्षा निदेशक घनश्याम चंद ने एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में शास्त्रीय भाषा, उर्दू व अन्य भाषाई शिक्षकों ने अपने एजेंडे रखे। इस दौरान शिक्षकों ने नवम्बर 2013 से पहले लगे भाषा और संस्कृत अध्यापकों को टेट की शर्त में छूट देकर टीजीटी हिंदी
संस्कृत पदनाम दिलाने की मांग की और बिना बीएड वाले शिक्षकों को डीएलएड की तरह एक मुश्त किसी संस्थान से बीएड करवाने की मांग भी उठाई ताकि सभी को जल्द टीजीटी पदनाम मिल सके और एक कैडर हो सके। इसके साथ साथ संघ ने पात्र उर्दू और पंजाबी भाषा शिक्षकों को भी टीजीटी पदनाम विधिवत प्रदान करने की मांग उठाई और संघ ने 23 मार्च 1989 की अधिसूचना के उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षकों को टीजीटी स्केल को पुनः बहाल करने की भी मांग उठाई। कुल मिलाकर जो है वो टीजीटी के तमाम जो टीचर्स हैं उनकी बैठक हुई और खास तौर पर अगर आप देखें तो भाषाई शिक्षकों के मुद्दों को लेकर शिक्षा विभाग ने बैठक की और आश्वस्त किया कि सरकार के समक्ष इन सभी मुद्दों को रखा जाएगा। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति की, क्योंकि हिमाचल की ठंडी फिजाओं में अक्सर जब राजनीति की बात आती है तो माहौल काफी गर्म हो जाता है। अब आप देखिए तो कांग्रेस सहित विपक्षी दल 2 दशक बाद फिर राजधानी शिमला से केंद्र की सत्ता का रास्ता तलाशेंगे। साल 2003 में शिमला के होटल पीटरहॉफ में कांग्रेस की राष्ट्रीय चिंतन बैठक हुई थी और एनडीए सरकार के खिलाफ इस बैठक में बनाई गई रणनीति के चलते आगामी 10 साल तक यूपीए सरकार केंद्र की सत्ता में रही थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए दोबारा से शिमला को महा बैठक के लिए चुना गया है। 10 और 12 जुलाई को विपक्षी दलों की यह बैठक प्रस्तावित है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का दावा है कि यह महा बैठक ही 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत की नींव रखेगी। अगली खबर की बात करें तो आज प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों पर अमल में देरी को लेकर यहाँ पर जो है वो गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि अदालती फैसलों को लागू करने में देरी होना प्रदेश के शासन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने अपने आदेश में कहा है कि पक्षकारों के साथ साथ न्याय करने के लिए सरकार का ये प्रथम दायित्व है कि वो कोर्ट के आदेशों पर शीघ्रता से अमल करे। कोर्ट के आदेशों पर अमल करने के लिए उचित तंत्र अथवा तौर तरीकों को विकसित किया जाना जरूरी है। कानून के राज की स्थापना के लिए सरकार की यह प्राथमिकता होनी चाहिए कि कोर्ट के आदेशों की समय पर अनुपालना हो। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि वो 31 जुलाई तक कोर्ट के आदेशों की अनुपालना के लिए जरूरी तंत्र अथवा तौर तरीकों को विकसित करे। कोर्ट ने मुख्य सचिव से अनुपालना रिपोर्ट भी इस पे तलब की है और चेतावनी दी है कि ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ प्रतिकूल आदेश भी पारित हो सकते हैं। और मामले के अनुसार हाईकोर्ट ने 29 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिए थे कि वो प्रार्थी भरत भूषण शाह की जूनियर प्रोग्रामर के पद के लिए पात्रता पर 10 जनवरी 2023 तक फैसला ले। आयोग ने कोई निर्णय 10 जनवरी तक नहीं लिया और 21 फरवरी को सरकार ने चयन आयोग भंग कर दिया। 25 मार्च को प्रार्थी ने हाईकोर्ट के आदेशों पर अमल के लिए अनुपालना याचिका दायर की। 21 जून को मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्राचार के माध्यम से कोर्ट को बताया गया कि कोर्ट द्वारा कर्मचारी चयन आयोग को आदेशों पर अमल भंग किए गए आयोग का ओएसडी अकेला नहीं कर सकता, इसलिए कोर्ट के आदेशों पर अमल के लिए उचित तंत्र अथवा तौर तरीके को अपनाने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि चयन आयोग को भंग हुए 4 महीने हो गए हैं और याचिका दायर किए हुए भी 3 महीने हो चुके हैं, इसलिए उचित तंत्र अथवा तौर तरीके के अभाव में आयोग को दिए आदेशों पर अमल न होना प्रदेश के शासन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। फिलहाल मामले पर सुनवाई अब हाईकोर्ट ने 8 अगस्त को निर्धारित की है।